हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ब्लाउज़ के बैक नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ लेंगे 14.5 इंच, शोल्डर लेंगे 6.5 इंच, 6.5 इंच, आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। और अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 34 इंच, 34 साइज है, इसका 1/4 लेंगे 8.5 इंच, और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। वेस्ट है 28 इंच, इसका 1/4 लेंगे 7 इंच, और 1 इंच बैक पार्ट में टक्स के लिए, और 1.5 से 2 इंच मार्जिन के लिए। और यहाँ पर अब नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ लेंगे 4 इंच, और नेक लेंथ लेंगे 3.5 इंच। तो हम यहाँ पर बोट नेक बनाने वाली है ब्लाउज़, इसलिए हम इसका शोल्डर और आर्म होल ज़्यादा लिए हैं। तो आप नेक का विड्थ और लेंथ भी अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। और अब टोटल नेक लेंथ का निशान लगाएंगे। टोटल नेक लेंथ है 10 इंच, और नीचे से 4 इंच विड्थ रखेंगे, और निशान को बराबर में इस तरह से मिला देंगे ऊपर तक। और ऊपर देखिए, इस तरह से अब हम बोट नेक का शेप दे देंगे। और नीचे देखिए, कुछ इस तरह से हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो इस तरह से देखिए शेप दे देना है नेक का, और इस पे एज इट इज कटिंग कर लेंगे अब। तो देखिए, नेक की कटिंग मैंने अच्छे से कर ली है। अब हमें लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए नीचे की ओर इस तरह से रखेंगे, और इस पर पिनअप कर लेंगे। तो देखिए, मैंने अच्छे से पिनअप कर लिया है। अब नेक का जो हमने शेप दिया है, बिल्कुल एज इट इज इसी शेप में हम इसे पेपर पेस्टिंग पे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, मैंने अच्छे से पेपर पेस्टिंग पे नेक का ड्रॉ अच्छे से कर लिया है। अब साइड से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए नेक पार्ट को कट करनी है। तो इस तरह से पहले अच्छे से पेपर पेस्टिंग पे पिनअप कर लेनी है, और फिर साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करेंगे। और फिर देखिए, जो हमने नेक का ड्रॉ किया है, एज इट इज नेक ड्रॉप ही हमें कट करनी है इस तरह से। तो देखिए, पेपर पेस्टिंग की कटिंग हो गई है। तो अब हम बैक पार्ट को लेंगे, अस्तर वाले पार्ट को, और इसके ऊपर देखिए हमें पेपर पेस्टिंग को अच्छे से रखते हुए चिपका लेना है इस तरह से। बराबर में हमें पेपर पेस्टिंग को इस तरह से रखेंगे और प्रेस करके इसे चिपका लेंगे। तो देखिए, मैंने अच्छे से प्रेस करके चिपका लिया है। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे, और इसके ऊपर हम लाइलिन को अच्छे से इस तरह से फैलाते हुए रख लेंगे। और इस पे देखिए, अच्छे से हमें पिनअप कर लेना है। अब हम नेक पे स्टिच करेंगे, तो इसी तरह से दूसरे वाले में भी हमें पिनअप कर लेनी है। तो दोनों साइड देखिए, अच्छे से मैंने पिनअप कर लिया है, और नीचे की ओर से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए इस तरह से पूरे नेक डिज़ाइन पर हम सिलाई कर लेंगे। तो एक तरफ देखिए, मैंने अच्छे से सिलाई कर ली है। एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे, और फिर देखिए इस साइड भी हम इसी तरह से 1/2 इंच का मार्जिन या फिर 1/2 का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई कर लेंगे। और नीचे की ओर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करेंगे, क्योंकि हमने लेंथ जब निशान लगाया था तो 1/2 इंच यानी 1 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन लिया था ऊपर की ओर और नीचे की ओर सिलाई करने के लिए। तो देखिए, साइड से हमने अच्छे से सिलाई कर ली है। अब सेंटर पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे कट कर लेंगे इस तरह से, और दूसरे साइड में भी हमें अच्छे से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेनी है। तो देखिए, चारों तरफ मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर ली है। अब इस पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इस तरह से, और इस कॉर्नर पे भी हमें कट लगा लेना है इस तरह से, ताकि जब हम अस्तर वाले पार्ट को दूसरे तरफ पलटे तो हमारा कॉर्नर अच्छे से निकल जाए। और अब इस तरह से देखिए, हमें अच्छे से कॉर्नर को बाहर की ओर करते हुए निकाल लेनी है। अस्तर वाले पार्ट को दूसरे तरफ अच्छे से पलट लेंगे, और इसी तरह से देखिए, मैंने दोनों पार्ट को पलट लिया है। और फिर देखिए, ऊपर से हम अब इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए, बिल्कुल कॉर्नर पे हमें टॉप स्टिच लगानी है। इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। और अब हम चारों तरफ सिलाई करते हुए दोनों फैब्रिक को ज्वाइंट कर लेंगे। तो हाथ से कपड़े को बराबर करते रहें, और फिर चारों तरफ सिलाई लगाएं। तो देखिए, मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इस पे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। इसी तरह से मैंने दूसरे वाले पार्ट को भी अच्छे से रेडी कर ली है। अब हमें सेंटर की नेक पार्ट को लेना है, जो हमने सेंटर वाले पार्ट को कट किया था नेक पार्ट को। और लेंथ में हमने जैसे निशान लगाया था 10 इंच, तो 10 इंच पे हमने निशान लगाया था, उसी निशान पे हमें कट कर लेनी है।
और फिर देखिए हमें लेना है पेपर पेस्टिंग और फिर एक फैब्रिक लेनी है और मेन फैब्रिक भी लेनी है और नीचे की ओर मेन फैब्रिक की राइट साइड ऊपर की ओर करते हुए रखेंगे। सेंटर पे हम अस्तर वाले कपड़े को रखेंगे और फिर ऊपर से पेपर पेस्टिंग को और फिर साइड से देखिए तीनों कपड़े को जॉइंट कर लेंगे और फिर नीचे और फिर देखिए इस वाले पार्ट को सेंटर पर रखते हुए चेक कर लेना है और फिर इस पर एज इट इज़ ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड और नीचे की ओर भी हमें अच्छे से ड्रॉ कर लेनी है और नीचे का साइड जो हमने निशान को लगाया है इसे बराबर में इस तरह से मिला देना है और उसी निशान पर हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे इस तरह से और इसे अब हम सीधा करेंगे। तो याद रहे जो अस्तर वाला कपड़ा है उसको हम यानी अस्तर वाले कपड़े को और जो हमारा पेपर पेस्टिंग है एक साथ होनी चाहिए। चाहे तो आप प्रेस करके अस्तर वाले कपड़े के साथ पहले ही पेपर पेस्टिंग को चिपका सकते हैं। और फिर देखिए इसे सीधा मैंने कर लिया है और साइड से देखिए इसे कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से और इसी तरह से इस साइड भी हमें कॉर्नर पे सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड से मैंने सिलाई लगा ली है और साइड से देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और अब हम सेंटर वाले नेक पार्ट को रखते हुए इसे चेक कर लेंगे। अब देखिए अब हमें कॉन्ट्रास्ट कलर में एक कपड़ा लेना है पट्टी इस तरह से। पट्टी का विड्थ मैंने 3.5 इंच रखी है 3.5 इंच। साइड से इसे फोल्ड करते हुए देखिए इस तरह से हमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है और इसे अब हम सीधा कर लेंगे किसी चीज़ की मदद से। तो देखिए मैंने अच्छे से इसे सीधा कर लिया है। अब देखिए आप इसे हाथ से बराबर कर देनी है इस तरह से। चाहे तो आप इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं और इसे अब हम कट करेंगे। तो 7.5 इंच यानी 7.5 इंच का लेंथ रखते हुए हम इसे कट कर लेंगे। इस पट्टी का लेंथ हमें जो हमने नेक का सेंटर का पार्ट कट किया था उसी लेंथ के हिसाब से ही कट करनी है। और अब देखिए मेन फैब्रिक का एक पट्टी लेंगे और दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब गोल्डन वाले पट्टी को हमें लेना है और इसे चुन्नट इस तरह से डाल लेना है सेंटर पे और जो दूसरी वाली पट्टी हमने सिलाई की है इसके सेंटर पे इस तरह से फोल्ड करते हुए रखेंगे और सिलाई करके इसे पक्का कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बटरफ्लाई रेडी कर लिया है। इसी तरह से दोनों बटरफ्लाई को रेडी कर लेनी है। अब देखिए इस वाले पार्ट को लेना है जो हमने पेपर पेस्टिंग के साथ जॉइंट किया था। इसके सेंटर पे हमें इस वाले नेक पार्ट को रखते हुए साइड से ड्रॉ करेंगे और फिर देखिए ये बटरफ्लाई जो हमने रेडी किया है बराबर में इसे मिलाते हुए रखेंगे और फिर साइड से सिलाई करते हुए तीनों बटरफ्लाई को नीचे वाले पार्ट के साथ जॉइंट कर लेनी है। इसी तरह से देखिए दूसरे साइड भी हम बराबर में मिलाते जाएंगे और साइड से सिलाई करते हुए दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। अब साइड से एक्स्ट्रा कपड़े और एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। अब देखिए बैक पार्ट को हमें लेनी है और दोनों साइड हमें बैक पार्ट को इस तरह से बराबर में रखेंगे और फिर सेंटर पे हम जो हमारा नेक पार्ट का कट था उसे ले लेना है। सेंटर पर रखते हुए बराबर में इसे चेक कर लेनी है और फिर इसे अच्छे से बराबर में मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे दोनों साइड। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड पिनअप कर लेना है। अब हम सिलाई करके इन दोनों पार्ट को हमें जॉइंट करनी है। तो देखिए कॉर्नर पे बिल्कुल बराबर में मिलाते हुए हमें सिलाई करते हुए जॉइंट कर लेना है। इसी तरह से दूसरे साइड पे हमें कॉर्नर से सिलाई करते हुए दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। दोनों तरफ देखिए बराबर में हमने अच्छे से सिलाई लगा दिया है। अब साइड से हमें फोल्ड करते हुए इस पर टक्स की स्टिचिंग कर लेनी है। टक्स की लेंथ 4.5 इंच या फिर 4 इंच भी आप रख सकते हैं। 4 इंच का लेंथ रखते हुए आप टक्स की स्टिचिंग कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए हमने इस साइड भी 4 इंच का लेंथ रखते हुए हमने टक्स की स्टिचिंग कर ली है। अब इस पर हम लेस लगाएंगे। तो कॉन्ट्रास्ट कलर में आप कोई भी लेस ले सकते हैं और नेक के कॉर्नर पर रखते हुए बराबर में हमें इसे रखना है। लेस को खींचना नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे करते हुए लेस को हम नेक वाले पार्ट के साथ जॉइंट कर लेंगे। कॉर्नर पे अच्छे से देखिए लेस को हल्का फोल्ड करते हुए घुमा लेना है और फिर देखिए पूरे नेक डिज़ाइन पे हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए चारों साइड मैंने अच्छे से सिलाई कर ली है, लेस को लगा लिया है। इसी तरह से दूसरे साइड भी लेस को लगा लेनी है। तो देखिए दोनों तरफ मैंने अच्छे से लेस को लगा लिया है। तो इसे अब हम साइड करते हैं। अब हम स्क्वायर पीस में 2 पट्टी लेंगे। पट्टी को इस तरह से कॉर्नर से डबल फोल्ड करेंगे और साइड से सिलाई करते हुए हम इससे लटकन बनाएंगे। तो इसी तरह से दूसरे वाले पट्टी को भी इस तरह से सिलाई करते हुए रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों लटकन की सिलाई हो चुकी है। तो अब हम इसे सीधा कर लेंगे, साइड से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और फिर इसे किसी चीज़ की मदद से हम सीधा कर लेंगे।
तो देखिए अच्छे से मैंने लटकन को सीधा कर लिया है और इसी तरह से हम दूसरे वाले लटकन को भी रेडी कर लेंगे। अब देखिए अब हमें लेना है कुछ कतरन लेना है। अगर आपके पास सो बटन है तो आप सो बटन को भी लगा सकते हैं या फिर आप गोल्डन कलर का इस तरह से कपड़े वाली बटन आप बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर बटन को रेडी कर ली है। इसे अच्छे से धागे से बांध देना है और साइड से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेनी है। अब हम लेंगे और इसे अब हम लटकन बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हैंड स्टिच करते हुए इसके सेंटर पे हम मोती अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर छोटी वाली मोती लिया है और फिर इसे देखिए हमने जो बटन बनाया है इस बटन पे अच्छे से सिलाई करते हुए जॉइंट कर लेंगे। तो दोनों लटकन को देखिए अच्छे से मैंने सिलाई करते हुए बटन के साथ जॉइंट कर ली है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट के जो सेंटर का पार्ट है इसे अच्छे से बराबर में रखते हुए सिलाई करते हुए इसे पक्का कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर डोरी भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने अच्छे से इसे जॉइंट कर ली है। अब इसके सेंटर पे हैंड स्टिच करते हुए इस वाले लटकन को अच्छे से जॉइंट कर लेनी है। तो देखिए मैंने अच्छे से इसे सिलाई करते हुए जॉइंट कर ली है। तो फ्रेंड्स आज की ये ब्लाउज डिज़ाइन बनके कंप्लीट है। तो ब्लाउज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लाउज डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।